हाय एवरीवन, वेलकम बैक हो गए आप सभी के अनदर वीडियो में। तो आज हम लोग बात करेंगे कि हाउ टू ऐड कस्टम रिव्यूज इन योर शॉपिफाई स्टोर। रिव्यूज को किस तरीके से अपने शॉपिफाई स्टोर में ऐड करना है, ये क्यों इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले इस चीज पे बात कर लेते हैं। देखो, रिव्यूज काफी ज्यादा अच्छा इंपैक्ट डालते हैं आपके प्रोडक्ट के ऊपर। जी हाँ, फॉर एग्जाम्पल कोई कस्टमर आ रहा है आपके प्रोडक्ट में वो चीज परचेज करने के लिए, और सबसे पहले जाके वो रिव्यूज चेक करेगा उस प्रोडक्ट के, कि उसके रिव्यूज अगर अच्छे हैं तब ही वो उसकी प्रायोरिटी होगी कि उसको वो परचेज करे। देखो, मैं एक छोटी सी आप लोगों को एग्जांपल देता हूं। पाकिस्तान में नॉर्मली दराज, आप लोगों को पता ही होगा दराज आप लोग यूज की होगी। दराज पे हम लोग जब भी जाते हैं, कोई प्रोडक्ट परचेज करने के लिए जाते हैं, तो सबसे पहले हम उस प्रोडक्ट का, उस स्टोर का रिव्यू चेक करते हैं, उस स्पेसिफिक प्रोडक्ट के रिव्यूज चेक करते हैं, कमेंट्स चेक करते हैं जाके कि यार उसके रिव्यूज कैसे हैं। अगर तो उसके रिव्यूज अच्छे होते हैं हम तब ही प्रेफर करते हैं उस प्रोडक्ट को परचेज करना। अदरवाइज अगर उसके रिव्यूज अच्छे ना हो तो हम जंप कर जाते हैं किसी दूसरे प्रोडक्ट के ऊपर, किसी दूसरे स्टोर की तरफ। इससे आप लोगों को आइडिया हो गया होगा कि रिव्यूज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे स्टोर का। सो रिव्यूज किस तरीके से ऐड करने हैं आज की इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल से देखेंगे, फिर टाइम वेस्ट नहीं करते, जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो रिव्यूज ऐड करने के लिए मैं पर्सनली जो एप्लीकेशंस यूज करता हूँ अपने स्टोर पे, मैं आप लोगों को वही रिकमेंड करूंगा और वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। दो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, आप लोगों की मर्जी है, दोनों में से जो मर्जी आप लोग इंप्लीमेंट कर सकते हो। अब इधर आप लोगों को लैपटॉप मेरी स्क्रीन शो हो रही होगी, आप लोगों को इधर से मैं अपनी कोई भी एक रैंडम प्रोडक्ट ओपन करके दिखा देता हूँ। इधर से मैंने ये डायपर मम्मी बैग है, इसको मैंने ओपन कर लिया है। अगर मैं इसको नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करता हूं और आप लोगों को इधर रिव्यूज का एक सेक्शन मिल जाएगा, जो कि मैंने ऑलरेडी ये चेक करें ऐड किया हुआ है, कस्टमर रिव्यूज। इधर अगर राइट रिव्यू पे कोई भी बंदा क्लिक करेगा तो ये चेक करो, इधर से वो अपनी एड मीडिया, कोई पिक्चर्स वगैरह भी ऐड कर सकता है, वीडियो भी ऐड कर सकता है, इधर से रेटिंग वगैरह आ जाएगी, फीडबैक देगा, अपना अपना नेम देगा, अपना ईमेल देगा और सबमिट रिव्यू पे सिंपल से क्लिक कर देगा। अब ये जो ऐप है ये है अली एक्सप्रेस की। मैं आप लोगों को इधर अपने स्टोर पे आता हूँ, इधर एप्स वाला सेक्शन में ओपन कर लेता हूँ और ये चेक करो अली रिव्यूज प्रोडक्ट रिव्यू है, इसको मैं ओपन करके आप लोगों को दिखा देता हूँ। और ये चेक करो, इधर ये इसका डैशबोर्ड शो हो रहा है। अभी कोई भी रिव्यूज वगैरह मैंने ऐड नहीं किए। आप लोगों ने क्या करना है, अपने फेक रिव्यूज डालने हैं अपनी प्रोडक्ट पे जो भी आप सेल कर रहे हो, इससे बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है कस्टमर पे। आप लोगों ने 5, 10, 15 रिव्यूज डाल लेने हैं अपने उस स्पेसिफिक प्रोडक्ट पे जो आप लोग कैंपेन चला रहे हो, जो सेल आउट कर रहे हो, इससे काफी अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा और उसकी सेल्स बढ़ जाएंगी आपकी। अब ये चेक करो, ये इसका डैशबोर्ड है, इधर सारा का सारा आपको डाटा शो देगा। आप लोगों ने सिंपल से क्या करना है, इधर सर्च बार में आके एप्लीकेशन के सेक्शन में आना है, इधर ये चेक करो ये एप्स हैं, इसमें आके सर्च बार पे क्लिक करना है और आप लोगों ने इधर सर्च कर लेना है अली एक्सप्रेस रिव्यूज। अगर मैं आपको सर्च करके भी दिखा देता हूँ, इधर अली एक्सप्रेस प्रोडक्ट रिव्यू, ये सर्च करो, इस ऐप को इंस्टॉल कर लेना है सिंपल से और आपका सारा का सारा एज इट इज हो जाएगा, जैसा कि मैंने आपको ये चेक करो अपनी वेबसाइट पे दिखा दिया है। ठीक है, अगर ये ऐड करना चाह रहे हो ये भी कर सकते हो, इसका एक अल्टरनेटिव भी है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, वो इससे भी थोड़ी सी ज्यादा कस्टमाइजेशन है, उसमें आप लोग ज्यादा चेंजिंग वगैरह कर सकते हो, वो मैं आपको चेक करवा देता हूँ। आप लोगों ने एप्लीकेशन के सेक्शन में आना है और इधर आप लोगों ने सर्च बार में लिखना है रिवो रिव्यूज, लिख के आप लोगों ने इसको सर्च कर लेना है। अब ये हमारा ऐप स्टोर ओपन हो गया है और ये चेक करो, ये जो रिवो प्रोडक्ट रिव्यू ऐप एंड यूजीसी है ना, इसको आप लोगों ने कर लेना है। अब इसके नाम पे ये नीचे और भी है, रिवो पॉपअप्स ईमेल, वो ईमेल के लिए है, आप लोगों ने वो नहीं करनी इंस्टॉल, आप लोगों ने ये ऊपर वाली करनी है रिव्यू एप्स एंड यूजीसी वाली, इसको मैं क्लिक करके ओपन कर लेता हूँ। और सिंपल से आप लोगों ने इसी तरीके से वो पहले वाली भी कर लेनी है, इंस्टॉल पे क्लिक करना है और ये आपके स्टोर पे रिडायरेक्ट आपको कर देगा। इंस्टॉल ऐप पे मैं क्लिक करता हूँ, ओके, तो हमारी जो ऐप है वो इंस्टॉल हो गई है। हम लेट्स डू दिस पे क्लिक करेंगे सिंपल से, उसके बाद आपके सामने इसका ये कुछ प्लान्स वगैरह शो देंगे। तो आप लोग ने इधर से कोई भी प्रीमियम मेंबरशिप ज्वाइन नहीं करनी, हम बिल्कुल फ्री में करेंगे, सही है। इधर ये चेक करो, चूज फ्री का एक बटन मिल रहा है नीचे, इस पे आप लोगों ने क्लिक कर देना और इसको ओके कर देना है सिंपल से। सो चेक कर सकते हो आप लोग, आपके सामने अब डैशबोर्ड खुल के आ गया है। अब हमारी टोटल सेल्स जनरेटेड इधर जीरो शो करवा रहा है, अब भी कोई भी चीज नहीं, इधर नहीं शो, कोई रिव्यूज नहीं है, कोई चीज नहीं है। अब ये मेन डैशबोर्ड है इसका, सही है। अब इधर नीचे रिव्यूज का एक सेक्शन मिल जाता है आप लोगों को, उसके बाद नीचे एक ऑप्शन मिल जाता है रिक्वेस्ट क्यू का, उसके बाद इधर आ जाता है ऑन साइड का, फिर आ जाता है सेटिंग्स का। तो हम लोगों ने आ जाना है मेन सेटिंग्स में। सेटिंग्स में आने के बाद आप लोगों ने इधर ये चेक करो, बिलिंग्स है, रिव्यू मॉडरेशन है, रिव्यू रिक्वेस्ट है, डिस्काउंट्स है, ईमेल है, नोटिफिकेशन है, इंपोर्ट रिव्यूज है, आप लोग इधर रिव्यूज को इंपोर्ट भी कर सकते हो अपनी मर्जी से, ठीक है। और इसके बाद ये ट्रबल शूटिंग का ऑप्शन भी मिल जाता है आप लोगों को,
सारी की सारी चीजें आप लोग इधर से अपनी मर्जी से इसको कस्टमाइज कर सकते हो। अब इधर आप लोगों को अगर डैशबोर्ड में आप लोग आओ तो इधर आपको एक कस्टमाइज एंड रिव्यू विजिट का ऑप्शन एक मिलता है, आप लोग इसको अपनी मर्जी से कस्टमाइज कर सकते हो। अब हम इसको कस्टमाइज कैसे करना है मैं आपको सिखा देता हूँ। कस्टमाइज विजिट पे आप लोगों ने क्लिक करना है, जैसे क्लिक करोगे ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है जो कि मैं आप लोगों को सिखाने जा रहा हूँ। पहले नंबर पे जो विजिट का स्टेटस है ना साइड पे आपको प्रीव्यू भी शो होता रहेगा, आप लोग इधर सारा का सारा देख सकते हो, ये देख रहे हो। अब विजिट स्टेटस इसको अगर ऑन है, अगर मैं इसको ऑफ करता हूं तो आप लोग चेक कर सकते हो उसका स्टेटस जो है वो ऑफ हो गया है, ठीक है। आप लोगों ने इसको ऑन ही रखना है। अब इधर आपको एक ऑप्शन मिलता है रिव्यू लिस्ट का, इसको मैं ओपन करता हूं। इधर ये चेक करो, इधर सबसे पहले रिव्यू का ऑप्शन शो हो रहा है बेस्ड ऑन रिव्यूज, ये लिखा हुआ है और ये चीज इधर टॉप पे शो हो रही है। आप लोग इसको अपनी मर्जी से कस्टमाइज कर सकते हो। आप इसको इरेज करते हैं, इसकी जगह मैं लिख देता हूं सम ऑफ आवर रिव्यूज। इस तरीके से आप लोग इसको अपनी मर्जी से एडिट कर सकते हो। एंड अब इधर से मैं थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करता हूं तो ये चेक करो इधर रिव्यू लिस्टिंग बेसिक्स है। अब रिव्यू लिमिट पर पेज वो कह रहा है कितनी रखना चाह रहे हो, मिसाल के तौर पे इसका मतलब ये है कि आपका जो फर्स्ट पेज होगा रिव्यूज का उस पर कितने रिव्यूज शो हो, तो आप लोग अपनी मर्जी से इधर सेलेक्ट कर सकते हो। मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा आप 10 तो रहने दो एटलीस्ट, मिसाल के तौर पर अगर आप 10 रिव्यूज भी ऐड करो फर्स्ट पेज पे जो कस्टमर आ रहा है उसको लग रहा है कि हाँ यार 10 रिव्यूज एडिड है तो अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा आपके कस्टमर पे, ओके। अब इसको आप 10 ही रहने दो एज इट इज। उसके बाद हम इधर से बैक चले जाते हैं, सेकंड ऑप्शन आ जाता है हमारे पास सिलेक्ट रेटिंग का। इधर से आप लोग अपनी रेटिंग वगैरह ये जो 5 स्टार है इसको आप लोग अपनी मर्जी से कस्टमाइज कर सकते हो। जैसे कि ऊपर ये टेक्स्ट आ रहा है हाउ वुड यू रेट दिस प्रोडक्ट, इसको भी आप लोग अपनी मर्जी से एडिट वगैरह कर सकते हो। स्टार की टाइप जो है फिल है एम्प्टी है, एम्प्टी में ऐसा शो होगा और इसको अगर मैं फिल पे करूं तो ऐसे शो होगा। सारी की सारी कस्टमाइजेशन है इधर मौजूद, आप लोग जैसे कस्टमाइज करना चाह रहे हो कर सकते हो। अब इधर ये देखो वर्ड्स है, अगर मैं इसको नंबर करता हूं तो ये 1 2 3 4 5 आ रहा है। इसको अगर मैं वर्ड्स पे क्लिक करूंगा तो ये हेट इट ओके इट लव इट, इस तरीके से आपको शो हो रहा है, सही हो गया। अब इधर से हम लोग चले जाते हैं बैक, अपलोड मीडिया पे क्लिक करता हूं एंड ये चेक करो इस तरह का कुछ सेक्शन शो होगा अपलोड मीडिया पे। वो क्या करेगा इधर सेलेक्ट करके अपनी इमेजेस वगैरह वीडियोस वगैरह इंपोर्ट कर सकता है। इसको भी मैं बैक कर लेता हूं। आप लोगों को यार इधर सारी की सारी कस्टमाइजेशन मिल जाएगी, आप लोगों ने इसको अच्छे तरीके से कस्टमाइज करना है और सिंपल से सेव कर लेना है तो आपकी जो भी प्रोडक्ट होगी उसमें ये रिव्यूज का सेक्शन जो है वो ऐड हो जाएगा। आई होप गाइस आप लोगों को अच्छे से समझ आ गई होगी कि रिव्यूज का जो सेक्शन है वो आप लोगों ने अपने शॉपिफाई स्टोर में किस तरीके से ऐड करना है ताकि आप लोगों का जो भी कस्टमर आ रहा है वो प्रोडक्ट परचेज करने के लिए उस पर अच्छा इंप्रेशन पड़े। किसी भी चीज की समझ ना आई हो नीचे कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल भी आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, मैं डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर दूंगा, उधर लाजमी फॉलो कर लेना। बाय द वे गाइस वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक लाजमी करके जाना और चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि फ्यूचर में भी आपको मजे मजे की वीडियोस मिलती रहे। मिलते हैं फिर अभी नेक्स्ट किसी वीडियो में, आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।